नमस्कार दोस्तों, बिहार नमन जीएस परिवार की तरफ से मैं राकेश ठाकुर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अत्यंत अपार हर्ष के संग आपको सूचित कर रहा हूं कि आप लोग के तरफ से जिस बुक की डिमांड की जा रही थी, जिस बुक का इंतजार किया जा रहा था, उस इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है और जिस बुक की आप लोगों को इंतजार था वो बुक फाइनली बिहार नमन पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश कर दिया है और ये बुक आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हम लोगों को, हमारे संस्थान को बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। ये बुक वर्तमान में अभी दिल्ली में मौजूद हो चुकी है, इसके अलावा दिल्ली के अलावा आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध हो गई है और 17 नवंबर से यह पटना में भी उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, इस बुक की बहुत सारी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के बारे में आपसे बताने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी इस बुक की विशेषता यह है कि इस बुक को एक आईएएस अधिकारी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, अनंतलाल ज्ञानी सर जो बिहार मूल के असम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है और अनंतलाल ज्ञानी सर का जो पठन पाठन में शुरू से ही बहुत अत्यंत रुझान रहा है और उनका यह प्रयास रहा है शुरू से ही कि जो बिहार के जो बच्चे हैं या जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं वो भी प्रशासनिक सेवाओं में वो जाएं और इसी उद्देश्य के निमित्त उन्होंने इस बुक को कठिन परिश्रम से अपना समय निकाल के, अपना काफी टाइट शेड्यूल, आपको पता ही होगा आईएएस अधिकारी का शेड्यूल कितना टाइट होता है, और उस टाइट शेड्यूल से समय निकाल के आपके लिए इस बुक को लिखा है। तो ये इस बुक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक आईएएस अधिकारी के द्वारा ये बुक को लिखा गया और एक आईएएस अधिकारी शायद बेहतर जानता है कि किसी सिविल सेवा के एग्जाम का डिमांड क्या है। तो ये बुक अपने आप में एक विशेषता ये लिए हुए है। इसके अलावा इस बुक की जो प्रिंटिंग है, ये प्रिंटिंग बहुत ही स्पष्ट है, साफ है, पठनीय है, पेज भी इसके बहुत अच्छे हैं जो आपको बहुत ही फील गुड आपको अनुभव कराएंगे। और भी इस बुक की बहुत सारी विशेषताएं हैं, एक एक करके बिंदुवार में इन विशेषताओं को आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, इस बुक के माध्यम से हम लोगों ने टोटल 16 टेस्ट आपके लिए हम लोग रखे हैं इस बुक में, और जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज 8 टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट की संख्या इसमें 7 है और करेंट अफेयर्स का एक अलग टेस्ट है। कुल मिला के आपके 16 टेस्ट इस बुक में है और इन 16 टेस्ट में यदि प्रश्नों के यदि हिसाब से देखा जाए तो कुल हम लोगों ने 2400 प्रश्नों को इसमें, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें 1775 जो प्रश्न है वो आपके जीके जीएस के प्रश्न है। इसके अलावा 555 जो प्रश्न है वो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न है और 70 प्रश्न जो है वो आपके मैथमेटिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी के प्रश्न है जो अपने आप में इस बुक को बना रहे हैं। इस बुक को यदि इस बुक के इंडेक्स की तरफ यदि आपका ध्यान आप देखेंगे इंडेक्स को, तो इसमें हम लोगों ने टेस्ट संख्या 1, 2, 3 करके हम लोगों ने कुल टोटल 16 टेस्ट का पूरा हम लोगों ने बिंदुवार इसमें हम लोगों ने इसको प्रस्तुत किया है चीजों को। और जो 4 सेक्शन होते हैं आपके, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, दोस्तों ये जो 4 जो सेगमेंट हैं, 4 जो आपके सब्जेक्ट हैं, यदि आपको बीपीएससी को क्वालिफाई करना है तो इनमें आपको बहुत अच्छे ढंग से ग्रिप बनाना होगा, ये आपको भी पता है। हम लोगों ने इस बुक के माध्यम से इस प्रकार से टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है, टेस्ट को अरेंज किया है कि आपको बेहतर से बेहतर जो प्रश्न है, जो मटेरियल है, आपको प्रोवाइड हो सके। जैसे जब आप विषय सूची को देखेंगे तो हम लोगों ने टेस्ट संख्या 1 में सिर्फ बिहार स्पेशल के रखा है क्वेश्चन को, इसके अलावा हम लोगों ने करेंट के क्वेश्चन को रखा है। इस बुक की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता यह है दोस्तों कि हम लोगों ने मंथली हर टेस्ट में हम लोगों ने करेंट को शामिल किया है, मंथली करेंट को शामिल किया है। इसके अलावा जो टेस्ट संख्या जो 16 है उसमें सिर्फ और सिर्फ करेंट के क्वेश्चन है और ये दोनों जो क्वेश्चन है, जो मंथली जो करंट के क्वेश्चन है और जो एक सिर्फ और सिर्फ जो करंट का जो टेस्ट का क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में क्या है, कोई मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप टेस्ट संख्या 1 को देखेंगे तो इसमें बिहार स्पेशल मिलेगा, इसके अलावा आपको समसामयिकी मिलेगा यानी कि करंट मिलेगा आपको नवंबर 2020 का मिलेगा। इसके अलावा जैसे भूगोल का आपका टेस्ट संख्या 2 में मिलेगा,
ऐसे ही जब आप इतिहास को देखेंगे, इतिहास से आपको भी पता है कि इतिहास से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो और इतिहास का सिलेबस भी काफी ब्रॉड है, तो हम लोगों ने इतिहास के पूरे सेगमेंट को हम लोगों ने दो टेस्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। जैसे कि टेस्ट संख्या 3 को जब आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को और मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को शामिल किया है। इसके अलावा हम लोगों ने करंट 2021 के प्रश्नों को हम लोगों ने जनवरी 2021 के प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। और टेस्ट संख्या 6 में हम लोगों ने आधुनिक भारत के प्रश्नों को, आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को, इसके अलावा हम लोगों ने मार्च 2021 के करंट के प्रश्न को हम लोगों ने शामिल किया है। ठीक है, इसी प्रकार जब आप विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे तो दोस्तों आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा कि बीपीएससी में विज्ञान से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोगों ने विज्ञान के भी पूरे पोर्शन को हम लोगों ने दो टेस्ट में डिवाइड किया है। जैसे आप टेस्ट संख्या 4 को जब देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्नों को ही रखा है, और इसके अलावा जो करंट के आपके जो क्वेश्चन है फरवरी 2021 के इसको हम लोग रखा है। और चूंकि जीव विज्ञान से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोगों ने जीव विज्ञान के लिए एक अलग ही टेस्ट रखा है। टेस्ट संख्या 7 में जब आप देखेंगे तो इसमें आपको जीव विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे और इसके अलावा आपको अप्रैल 2021 के करंट मिलेंगे। ठीक है, तो आपका इतिहास के लिए हम लोगों ने अलग तरीके से दो टेस्टों में इतिहास के प्रश्नों को शामिल किया है, इतिहास के सेगमेंट को शामिल किया है, साइंस के सेगमेंट को दो टेस्ट में शामिल किया है, आपके बिहार स्पेशल को हम लोगों ने एक टेस्ट में शामिल किया है, और करेंट को हम लोगों ने मंथली टेस्ट संख्या 1 से लेकर टेस्ट संख्या 15 तक मंथली करंट को हम लोगों ने हर टेस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा टेस्ट संख्या 16 में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने करंट के ही क्वेश्चन को रखा है, और इसमें फरवरी 2021 से 20 अक्टूबर 2021 तक के करंट के क्वेश्चन को हम लोगों ने शामिल किया है। सारे के सारे जो करंट के जो क्वेश्चन है 555 क्वेश्चन, वो सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, आपके एग्जाम के हिसाब से ही उसको डाले गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके जो प्रश्न आएंगे करंट के वो यहीं से आएंगे। और इसी तरह हम लोगों ने जो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जैसे भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी के यदि आप सेक्शन को यदि आप देखेंगे तो टेस्ट संख्या 15 में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को, जो इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है उसको रखा है, भारत सरकार के आर्थिक समीक्षा को, इसके अलावा बिहार सरकार के आर्थिक समीक्षा को, और बजट भारत और बिहार, भारत सरकार और बिहार सरकार के बजट के प्रश्नों को हमने शामिल किया है, उन प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हैं। तो इस प्रकार से ये जो बुक अपने आप में जो है अत्यंत विशेष बुक है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट बुक है। यदि प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो प्रश्नों का जो मानक है वो मानक उन्होंने बीपीएससी के मानक के हिसाब से ही रखने का प्रयास किया है। जब आप इन प्रश्नों को जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बीपीएससी के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप टेस्ट संख्या 1 के जब क्वेश्चन को देखें, जैसे प्रश्न 1 है कि बिहार में कौन सा स्थल नौ पाषाण संस्कृति से संबंधित है, या पटना में किस मुगल शासक ने शपथ ली थी। जब इसका जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन पढ़ के और प्रश्न पढ़ के आपको बिल्कुल यह महसूस होगा कि आप बीपीएससी के प्रश्न को पढ़ रहे हैं। इस बुक की एक और आपको विशेषता मैं बता रहा हूं कि जो टेस्ट के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जो उत्तर हम लोगों ने जो दिया है वो उत्तर को विशद व्याख्या के संग दिया है, और यह व्याख्या अपने आप में इतना ब्रॉड है कि मुझे लगता है कि यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ें और इसकी व्याख्या को पढ़ें तो संभवतः शायद आपका पूरा वो पोर्शन, वो पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर दिखाता हूं, आप टेस्ट संख्या 1 के प्रश्न संख्या 3 को देखें। प्रश्न है कि कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं था। अब जब इसकी व्याख्या जब आप देखेंगे तो व्याख्या में हम लोगों ने क्या किया है कि इस प्रश्न का तो उत्तर दिया ही दिया है, संघ में जो 16 महाजनपद हैं उन 16 महाजनपद के उन तथ्यों को, उन फैक्ट्स को हम लोगों ने इस व्याख्या में शामिल कर लिया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, रेलिवेंट है। इस बुक को अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत विशेष बना रही है। तो दोस्तों ये सारी जो विशेषताएं हैं वो आपको इस बुक्स में मिलेंगी। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है, ज्ञानी सर को पूरी उम्मीद है कि ये बुक जितने भी परीक्षार्थी दोस्त भाई बहन हैं उन सबको, सबके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सहायक, उनके टारगेट को अचीव करने में सिद्ध होगी। और निश्चित तौर पे
प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में ये बुक जो है बहुत उपयोगी साबित होगी। तो पब्लिशिंग हाउस बिहार नवन पब्लिशिंग हाउस आप सबसे अनुरोध करता है कि एक बार इस बुक को आप जरूर पढ़ें और फिर आप खुद महसूस करेंगे कि ये बुक जो है किस प्रकार आनंदलाल ज्ञानी सर ने गागर में सागर को भरने का प्रयास किया इस बुक के माध्यम से, और किस प्रकार हर वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपके लिए इस बुक में समाहित करने का प्रयास किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बुक को उतना ही आप मान सम्मान प्यार से नहीं देंगे और ये बुक अवश्य ही आपके टारगेट को अचीव करने में आपका सहायक सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।